श्रीमद भागवत प्रभात फेरी परिवार की ओर से रविवार को 101वां कन्यादान कार्यक्रम धूमधाम के साथ संपन्न करवाया गया। चयनित परिवार की 5 कन्याओं के विवाह के मौके पर परिवार के सदस्यों की ओर से कन्यादान के रूप में विभिन्न उपहार सामग्री भेंट की गई। संयोजक संजय गिया ने बताया कि परिवार की ओर से चयनित परिवार की कन्या के विवाह के मौके पर पूरा सहयोग किया जाता है। इसी क्रम में रविवार को आयोजित कन्यादान का ये 101वां कार्यक्रम था, जिसमें चयनित परिवार की कन्या के विवाह के मौके पर रविवार को सुबह रघुनाथ जी के बड़े मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बरी के बेस सहित 5 अन्य बेस, अलमारी, डबल बेड, गद्दे, टेबल, कुर्सी, कुल्लर, सोने चांदी के जेवर आदि अनेक सामग्री उपहार के रूप में भेंट की गई। इस मौके पर संरक्षक ओम प्रकाश गिया, गोविंद शर्मा, राम प्रकाश बुतड़ा, राजेंद्र गर्ग, सत्यनारायण असावा, राजेंद्र गंगवाल, कैलाश भंसाली, एमएल शर्मा, राधा कृष्ण टोडवाल, महेंद्र शर्मा, प्रभात कुमार तिवारी, वैभव गिया तथा हरि प्रसाद कुमावत आदि अनेक सदस्यगण मौजूद थे। जय जय श्री राधे। आज श्रीमद् भागवत प्रभात फेरी परिवार द्वारा पिछले 16 वर्ष से जारी कन्यादान कार्यक्रम के तहत 101वां कन्यादान कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसके अंदर अभी तक कुल मिला के 131 कन्याओं का कन्यादान मायरा प्रभात फेरी के परिवार ने भरा है। आज पहली बार हमें 16 साल के टाइम पीरियड में पहली बार 5 कन्याओं का कन्यादान करने का सुअवसर ठाकुर जी ने प्रदान किया। ठाकुर जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा ब्यावर वासियों से कि जो भी ऐसा परिवार अपने आप को जो सक्षम पाता हो, जरूरतमंद पाता हो, उसे श्रीमद् भागवत प्रभात फेरी परिवार तक पहुंचाएं। प्रभात फेरी परिवार द्वारा उनका बड़े ही आनंदपूर्वक और मायरा भरा जाता है। उनकी जरूरत की सभी चीज़ें, जिसमें डबल बेड हुआ, अलमारी हुआ, सिलाई मशीन हुई, कुकर हुआ, प्रेस हुई, पंखे हुए, सोने चांदी के आभूषण हुए, साड़ियाँ हुई, अन्य रसोई के और घरेलू सामान जो दिन भर में काम आते हैं वो सब भेंट स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। सभी पधारे हुए जो तहसीलदार साहब हैं और जो भी हमारे मेहमान हैं उनका और प्रभात फेरी परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा प्रेस का भी। आज गोविंद जी वैसा भी जैसे कैसे बता रहे, जो प्रेस ने भूमिका हमें यहाँ तक जो परिवार ऐसे उनको लाने तक पहुँचाई, प्रेस का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।